नमस्कार 19 नवंबर अभय न्यूज के शुक्रवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। गुजरात के हिम्मतनगर से महाकाल मंदिर में दर्शन करने आई एक श्रद्धालु महिला की चेन एक महिला ने उड़ा दी। सीसीटीवी फुटेज में पीली साड़ी पहनी एक महिला चेन चुराती दिख रही है। महाकाल पुलिस ने अपराध के अपने आंकड़े को कम दिखाने के लिए चोरी की बजाय चेन गुम होने का आवेदन लिया है। दरअसल गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी और हिम्मतनगर की राजतीर्थ टाउनशिप के C113 में रहने वाले राकेश आर शास्त्री पत्नी हेमाबेन अपने दो बच्चों और साले की एक बच्ची के साथ निजी कार से दर्शन करने उज्जैन आए थे। शुक्रवार सुबह 11 बजे उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए थे। इसके बाद वह परिसर के ही अन्य मंदिरों में दर्शन कर रहे थे। ओमकारेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करते समय कार्तिक पूर्णिमा की भीड़ का फायदा उठाते हुए पीली साड़ी पहनी एक महिला ने हेमाबेन की चेन पीछे से निकाल ली। इसका पता हेमाबेन को तब चला जब वह मंदिर के चबूतरे पर परिवार के साथ बैठी थी। उन्होंने पति को जानकारी दी। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड को चेन चोरी की जानकारी दी गई। सीसीटीवी फुटेज में घूंघट की ओट लेकर पीली साड़ी पहनी महिला चेन निकाल रही है। फुटेज देखने में ये लग रहा है कि महिला ने एक नहीं दो चेन उड़ाई है, क्योंकि वह एक नहीं दो महिलाओं के पीछे से वारदात करती दिख रही है। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रिपोर्ट लिखाने महाकाल थाने पहुंचे राकेश भाई आर शास्त्री की FIR दर्ज करने के बजाय केवल आवेदन लेकर रख लिया। कायदे से ये घटना नवरात्रि के दौरान गढ़कालिका मंदिर में घटी स्नेचिंग की वारदात की तरह है, जिसमें भी महिला ने चेन उड़ाई थी। खैर, चोरी गई चेन का वजन 1.8 तोला है। इसकी कीमत 80,000 रुपए आंकी गई है। कार्तिक पूर्णिमा पर शुक्रवार को लाखों दीपों को अपने आंचल में समेटकर मां शिप्रा मुस्कुरा दी। कोविड की सख्त पाबंदियां हटते ही 2 साल बाद दीप दान करने हजारों श्रद्धालु शिप्रा के तटों पर पहुंचे। आलम ये रहा कि रामघाट की तरफ जाने वाले रास्ते चारों तरफ से पैक रहे और लोग घाट तक पहुंचने के लिए मशक्कत करते रहे। रामघाट, दत्त अखाड़ा घाट, नरसिंह घाट, गुरु नानक घाट, त्रिवेणी घाट तक पर जाकर लोगों ने दीपों का दान किया। मान्यता है कि कार्तिक मास में पितृ धरती पर होते हैं और कार्तिक पूर्णिमा पर वह पितृलोक के लिए वापसी करते हैं। बहरहाल कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान दान से शुरू हुआ धर्म कर्म का सिलसिला दीपदान तक चलता रहा। पुलिस प्रशासन, नगर निगम और कथित भू माफिया की मिलीभगत से गुंडा अभियान की आड़ में सरदारपुरा में बेघर किए गए 6 परिवारों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले 5 लोगों के मकान बनाने का मौखिक आदेश दिया गया था, लेकिन नगर निगम की टीम एक ही मकान बना रही है। बचे हुए लोग ऐसे में परेशान हैं। करीब 4 दिन पहले प्रोबेशनर IPS विनोद कुमार मीणा की मौजूदगी में नगर निगम की टीम ने सरदारपुरा में मकान तोड़ने के नाम पर पूरी एक चाल गिरा दी थी। जेल में 4 साल से बंद तस्कर नन्नू यादव के किराए का मकान तोड़ने का तब हवाला दिया गया था। नन्नू यादव के साथ नगर निगम की टीम ने भगवंती बाई खत्री, सुंदरलाल यादव, गोपाल यादव, राजेश यादव और मनोज नंदवाल को भी बेघर कर दिया था। आर्थिक रूप से बेहद कमजोर इन लोगों की चौथी पीढ़ी इस चाल में किराए से रह रही है। भगवंती बाई का कोई वारिस नहीं है और वह सिलाई करके काम चलाती हैं, जबकि मनोज नंदवाल अंडे का ठेला लगाकर जैसे तैसे गुजर बसर करते हैं। ऐसी ही स्थिति अन्य परिवारों की है। 4 दिन से यह 5 परिवार खुले आसमान के नीचे रात काट रहे हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने इनकी परेशानियों को देखते हुए सभी के मकान फिर से बनाकर देने के आदेश दिए थे, लेकिन कलेक्टर के इस आदेश को नगर निगम ने ठेंगा दिखा दिया। अब नगर निगम केवल भगवंती बाई का मकान ही बना रही है, शेष के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा। दरअसल मकान में रहने वाली अर्पिता यादव आरोप लगा चुकी है कि शराब ठेकेदार घोटू जायसवाल की मिलीभगत से चाल गिराई गई, क्योंकि चाल का सौदा किसी जायसवाल ने किया है। भूमाफिया की सांठगांठ से गरीब परिवारों को बेघर कर दिया गया है। हालांकि इस संबंध में अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हालांकि निगम के एक अफसर भी मान रहे हैं कि उनके विभागीय अधिकारी गलती कर गए हैं। भगवंती बाई खुद निर्माण से नाराज है। उनका कहना है कि मकान का निर्माण गुणवत्ताहीन किया जा रहा है, ना प्लास्टर कर रहे हैं, ना फर्श बना रहे हैं, यहाँ तक कि खिड़की तक नहीं निकाल रहे थे। क्या मैं जानवर हूँ, गाय ढोर की तरह मकान बना रहे हैं। खैर, प्रशासन और पुलिस के अधिकारी कार्रवाई को भले ही गफलत बता रहे हों, लेकिन पहले ही दृष्टि में यह किसी षड्यंत्र से कम नहीं लगता। बड़े अधिकारी भले ही अपनी भूमिका को गफलत का नाम दे रहे हों, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हुई है वह सवालों को जन्म तो देती ही है, क्योंकि यदि नगर निगम के निचले अधिकारियों या कर्मचारियों ने इस कारनामे को अंजाम दिया है तो 4 दिन बाद भी इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कम से कम इन सभी को कारण बताओ नोटिस तो अब तक जारी हो ही जाने चाहिए थे। ऐसा नहीं होना ही बड़े अधिकारियों को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है।
उम्मीद की जाती है कि अपराधियों और माफियाओं से गठजोड़ के आरोपों का सामना कर रहे अधिकारी जल्द ही इस मामले में मातहतों पर कार्रवाई करेंगे। मेरे को तो संतुष्टि नहीं है सर, बिल्कुल कुछ भी उसमें तो हंस रहा है, कोई पलस्तर नहीं करेंगे, कुछ किचन नहीं बनाया, कुछ दीवार अच्छी नहीं बनी है, नीचे कुछ जमीन अच्छी नहीं है और ऊपर का कुछ सामान मलबा तोड़ा नहीं है और बना दिया, ईंट गिरेगी तो मेरे ऊपर नहीं आएगी क्या? अब मेरी मौत का जिम्मेदार कौन? सर कहाँ सर, मैंने हाथ पांव छोड़ लिया मैडम के, मैंने कहा ऐसा बनाएंगे दीदी आप घर, आप रह सकते हो क्या इसमें? तो मेरे को रखोगे क्या? मानते गाढ़ोर का घर मानते उसको, मतलब किसी को मजबूरी से ठहराएंगे तो भले से उनको हंसते वैसे करके रहना पड़ेगा। नहीं निकाल रहे वो भी, हाँ निकाल देंगे, हाँ निकाल देंगे कर रहे पर कोई निकाल नहीं रहे। कार्तिक मेले के पहले लगने वाले गधों के मेले ने इस बार रिकॉर्ड कायम किया है। 4 दिन में करीब 1 करोड़ रुपए के गधे बिके। अलग अलग शहरों के 25 व्यापारी गधे बेचने आए थे। 4 दिन में 500 से ज्यादा गधे बिके। दरअसल कार्तिक मेले के पहले गधों का मेला उज्जैन में लगता है। पिछले साल कोविड के कारण यह मेला नहीं लगा था। इस बार मेले को लेकर काफी उत्साह था और बड़ी संख्या में व्यापारी और खरीदार पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान के व्यापारियों ने भी मेले में शिरकत की। व्यापारी कमल प्रजापत ने बताया कि इस बार अच्छे भाव मिले। 10,000 वाला गधा 20,000 में बिका। भाई साहब माल तो यहाँ पे सारा बिक चुका है और व्यापारी मतलब भारत का व्यापारी टोटल आया हुआ था यहाँ पे, करीबन 500 गधे थे यहाँ पे। उसके बाद करीबन अपना जो गधे का व्यापार हुआ है 6 से 7 करोड़ रुपए का धंधा हुआ है। अपना गुना बिना राजस्थान झाड़ावर, उसके बाद सुसनेल शाजापुर, गुना बिना सभी दूर का महाराष्ट्र राजस्थान सभी दूर से जानवर आए थे यहाँ। नहीं दो जैसे 2 साल के रुके हुए व्यापारी थे उनको जानवर मिल नहीं पा रहे थे, अब वो आया आपके भाव भी अच्छा आया हमारे को। करीबन जो गधा हमारा 12,000 का बिकता था वो डायरेक्ट 20,000 रुपये में बिका है। 20,000 25,000 में 50,000 तक का गधा बिका है यहाँ पे। पाकीज़ा आपका हुक्म सराखों पर, तो मनाएं इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ। मेंस वुमेन्स किड्स के लिए ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला, फुटवेयर, लगेज बैग्स, एसेसरीज, ड्रेस मटेरियल, होम फर्निशिंग, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखें पाकीज़ा के स्पेशल, दुल्हन के लहंगा चुन्नी, इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट सूट, जोधपुरी नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ लें हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ, पुलिस वर्दी मात्र 379 रुपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता पाकीज़ा 41 वरा मीर मार्ग फ्रीगंज उज्जैन। जन सुनवाई में आगर रोड पर रेलवे की जमीन पर प्लॉट काटने की शिकायत में ये तथ्य साबित हो रहा है कि प्लॉट रेलवे की जमीन पर काटे जा रहे हैं, क्योंकि जिस यादव नगर के नाम पर रजिस्ट्री की जा रही है उसे बसाने वाले कॉलोनाइजर्स का कहना है कि उन्होंने दिनेश भायल या शांति भायल के नाम से कोई प्लॉट नहीं दिया है। दरअसल जन सुनवाई में आगर रोड के रहवासियों ने रेलवे की जमीन पर प्लॉट काटने की शिकायत की थी। इस मामले में दिनेश भायल और शांति भायल का नाम सामने आया था। दोनों यादव नगर में अपनी जमीन होने का हवाला देकर प्लॉट काट कर बेच रहे हैं। करीब 10 से ज्यादा प्लॉटों की रजिस्ट्री वह कर चुके हैं। इस संबंध में यादव नगर बसाने वाले बंशीलाल यादव और मनोहर लाल यादव के बेटों ने साफ किया कि उनकी कॉलोनी में दिनेश भायल और शांति भायल की कोई जमीन नहीं है। मनोहर लाल के बेटे धर्मेंद्र यादव ने बताया कि उन्हें भी मीडिया के मार्फत ही जानकारी मिली थी कि यादव नगर के नाम पर प्लॉट बेचे जा रहे हैं, जबकि हमारी तरफ से किसी तरह के प्लॉट नहीं बेचे जा रहे। जो प्लॉट बिक रहे हैं वह हमारी कॉलोनी के बाहर है, ये जमीन सरकारी है। इसी तरह बंशीलाल यादव के बेटे रविंद्र यादव ने बताया कि जिस जमीन पर प्लॉट काटे जा रहे हैं वह रेलवे की जमीन है, यहाँ अन्नपूर्णा मंदिर भी है। अब इस जमीन पर प्लॉट काटे जा रहे हैं तो ये गलत है। देखिए मुझे भी प्रिंट मीडिया और जो इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से अभी पता चला है, कल परसों जो आया था उसमें, कि यादव नगर के नाम से कुछ प्लॉट काट दिए गए हैं बाहर रोड पर सरकारी जमीन में, तो ये बिल्कुल गलत है। मेरे यादव नगर के अंदर दिनेश भायल और शांति भायल के नाम से कोई प्लॉट है ही नहीं, और इन्होंने जो बाहर जो प्लॉट बेच दिया है तो ये बिल्कुल गलत है। मेरे इसमें नहीं आ रहा है, ये यादव नगर में, यादव नगर में इस नाम का कोई प्लॉट है ही नहीं। फादर थे उस टाइम पे, पर बाकी के अभी फिलहाल में तो यहाँ पर ये वाइल्डिंग वाइल थी पहले, और ये सरकारी पट्टे करे हुए इस जमीन के, बाकी का यादव नगर से इस जगह इस भूमि का कोई संबंध है ही नहीं। नाम से मंदिर की जमीन करी गई थी माता जी के नाम से, जिसमें 2000 ईंट भी डाली और जनता ने उसका चंदा भी दिया था, सहयोग करा था उस बाबा को। पूरे तार फेंसिंग थे, तार फेंसिंग लगवाई थी हमने, और एक बावड़ी भी खुदवाई थी चंदा करके, क्या और जनता का हवन कुंड भी कराया था। इधर की जमीन शासकीय जमीन है तो रेलवे की, ये प्लाट का तो नहीं है, अवैध कब्जा करते हैं ना, कभी इनको नहीं पहचानता मैं कौन कब्जा कर रहा है, कब्जा कर रहे हैं। इसके पीछे जमीन हमारी लगी हुई, पूरी निजी जमीन लगी हुई है। मौसम रोज बदल रहा है,
कभी गर्मी तो कभी ठंड का एहसास शहरवासियों को हो रहा है। शुक्रवार सुबह भी मौसम अलग रंग में नजर आया। सुबह आसमान पर बादल छाए रहे, हालांकि यह सिलसिला ज्यादा देर नहीं चला और बादलों की ओट में छिपा सूरज बाहर निकल आया। इससे दोपहर में लोगों को गर्मी का एहसास होता रहा। हालांकि मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए अधिकांश लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। दूसरी ओर मौसम के बदलने से तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। रात के तापमान में जहां गिरावट दर्ज की गई, वहीं दिन का तापमान तेजी से ऊपर गया। गुरुवार को अधिकतम तापमान 21 डिग्री था, जो शुक्रवार को बढ़कर 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 19 डिग्री था, जो गिरावट के साथ शुक्रवार को 17.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इधर गंभीर डैम के कैचमेंट एरिया में हुई बारिश और इंदौर के यशवंत सागर के गेट खोले जाने से गंभीर में 26 एमसीएफटी पानी बढ़ा। कोविड प्रोटोकॉल के कारण 2 साल से गायब कार्तिक मेले की रंगत शुक्रवार को लौट आई। घोषित तौर पर तो मेला शुरू नहीं हुआ, लेकिन अघोषित तौर पर झूले भी लगे और स्टॉल भी सज गए। मेले की चाहत में शहर के उत्सव प्रेमी बाशिंदे मेला देखने पहुंच गए। बच्चों ने मिक्की माउस झूले का आनंद लिया। व्यापारी सुनील डागर ने बताया कि हर साल की तरह ही कार्तिक मेला लगेगा। 2 से 3 दिन में झूले पूरी तरह लग जाएंगे। नगर निगम ने झूले लगाने की दर बढ़ाई है, लेकिन व्यापारी ग्राहकों से पुराना रेट ही लेंगे। बहरहाल रविवार तक मेले की रंगत अपने पूरे शवाब पर होगी। सर्वप्रथम तो मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इस बार मेले अपने पूरे शवाब के साथ सभी मेले लगेंगे। जिस प्रकार से हर वर्ष मेले झूले लगाए जाते हैं, वो संपूर्ण सारे झूले लग रहे हैं। झूले कल सुबह में यहाँ गाड़ियाँ आना चालू हो जाएगी और 2-3 रोज में वो झूले सब कंप्लीट हो जाएंगे। नगर निगम ने भी प्रत्येक झूले पर अपना रेट बढ़ाया है। व्यापारी ने भी इस पर कोई विचार नहीं किया है। कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदी हटते ही महाकाल मंदिर में भी दर्शन का समय बदलने वाला है। शनिवार से मंदिर में रात 10:30 बजे तक दर्शन होंगे। फिलहाल दर्शन बैरिकेडिंग से ही होंगे। नंदी मंडपम गर्भगृह में प्रवेश फिलहाल बंद रहेगा। जल चढ़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। दरअसल 3 दिन पहले ही सीएम ने प्रोटोकॉल की सारी पाबंदी हटा दी है। इसके चलते मंदिर पूरी तरह खुलने लगे हैं। विवाह समारोह में भी भीड़ आने लगी है। प्रोसेशन भी शुरू हो गए हैं। शहर के सबसे बड़े मंदिर महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्था भी बदली जा रही है। शनिवार से रात 10:30 बजे तक मंदिर खुलेगा और भक्त शयन आरती में भी शामिल हो सकेंगे। अब तक शयन आरती में केवल मंदिर कर्मचारी, पंडे और पुजारी ही शामिल होते थे। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा शाखा उज्जैन द्वारा समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग की प्रथम पुण्यतिथि मदर टेरेसा आश्रम में निराश्रितों की सेवा कर मनाई गई। चित्रगुप्त मंदिर सार्वजनिक न्यास ट्रस्ट के नगर जिला मीडिया प्रमुख मंगेश श्रीवास्तव ने बताया, इस मौके पर देवेंद्र सक्सेना, मधुकर, वीणा सक्सेना, अमित श्रीवास्तव, विशाल सक्सेना ने स्वर्गीय सारंग के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर केसी श्रीवास्तव, स्वाति राजभूषण श्रीवास्तव, घनश्याम सक्सेना, निखिलेश खरे, विश्वेश माथुर, आलोक माथुर आदि उपस्थित थे। संचालन निखिलेश खरे ने किया, आभार स्वाति श्रीवास्तव ने माना। सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शुक्रवार को शहीद पार्क पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के चित्र पर माल्यार्पण कर 1857 के वीरों को याद कर नमन किया गया। इस दौरान शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित किए गए। जिला सहकारी संघ मर्यादित उज्जैन द्वारा आगर रोड उद्योगपुरी स्थित भारत इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी मर्यादित में युवा, महिला एवं कमजोर वर्ग के लिए सहकारिता के योगदान पर व्याख्यान आयोजित किया गया। आयोजन 68वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के तहत किया गया। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक 20 नवंबर को सुबह 11 बजे बृहस्पति भवन सभा कक्ष में होगी। अध्यक्षता कलेक्टर आशीष सिंह करेंगे। जानकारी सीएमएचओ डॉक्टर संजय शर्मा ने दी। चातुर्मास के लिए नयापुरा ज्ञान मंदिर में विराजित साध्वी विद्वत गुणा श्रीजी मसा एवं साध्वी रश्मि प्रभा श्रीजी मसा का नयापुरा से पिपली नाका स्थित विजय कुमार चांदमाल सकलेचा परिवार के निवास पर चातुर्मास परिवर्तन हुआ। विजय कंस्ट्रक्शन, मकान नहीं आशियाना करते हैं हम तैयार। ग्राहकों का 11 सालों का विश्वास, सर्व सुविधा युक्त 6 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं हमारे द्वारा पूर्ण विकसित। प्लॉट, रो हाउस, बंगलो सब है यहाँ, तो शहर के प्रमुख स्थानों में खरीदे अपना आशियाना। अथर्व एनक्लेव इंदौर रोड, सीठी नगर मेन सिटी एरिया, शांति निकेतन दिवास रोड, वसंत विहार नानाखेड़ा पर है प्लॉट और मकान मौजूद। चूड़ी सड़के, बाउंड्री वॉल, ड्रेनेज सिस्टम, गार्डन और भी कई सुविधा है उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8899041268 00392301। हमारा पता शॉप 129 C21 मॉल नानाखेड़ा उज्जैन। आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।